हे गाइस वेलकम टू सैमगराज एंड आज आप इंस्टॉलेशन वीडियो देख रहे हैं एच जे जी वन ज़ीरो वन जिसको आप फ्यूचर आई टू सीरीज से भी जानते हैं फ्यूचर आई टू लेंस एंड इस फॉग लाइट की लुक कुछ इस टाइप से होती है फॉग लाइट की जो माउंटिंग है उसे हमने क्रैश गार्ड पे माउंट कर लिया है एज यू कैन सी दिस इज़ द वन साइड एंड दिस इज़ द सेकेंड अब जो इसका इंस्टॉलेशन है वो हम कर रहे हैं एंड लेट मी शो यू इसके इंस्टॉलेशन को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और एट गैस सो इफ आई टॉक अबाउट दी वायरिंग हार्नेस की जो फिटिंग जो करनी है आपको सो so क्लासिक में एज वी नो की स्प्लिट सीट्स आती हैं सो so अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जगह तो है इसको रखने के लिए बट प्रॉपर वाटर प्रूफिंग या फिर डस्ट से बचेगा नहीं सो so इसको हम जो अभी फिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके फ्यूज़ बॉक्स में एंड फ्यूज बॉक्स में प्रॉपर जगह भी है वायरिंग भी नीटली निकल जाएगी वायरिंग भी एक्स्ट्रा में नहीं दिखेगी सो so चलिए इसको चल के इससे फिट करते हैं लेट मी शो यू आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक छोटा सा होल दे रखा है जहाँ से अपने आप वायर्स को पास ऑन कर सकते हैं एंड यहीं से ही हम इस वायर्स को निकाल रहे हैं देखिए आप इस तरीके से वायरिंग को निकालेंगे एंड ये जो है ये कुछ यहाँ पर जाके फिट हो जाएगा एंड इस वायरिंग को यहाँ से निकालते हुए आप इसको बैटरी से कनेक्शन देना होगा आपको सो रेड एज यू नो दैट इज फॉर द मेन सो ये रेड जो है आपका रेड में जाएगा एंड ब्लैक वाला आपका नेगेटिव है सो so वो नेगेटिव में जाएगा सो so ये ब्लैक है दैट इज़ फॉर द नेगेटिव अर्थ जिसे बोलते हैं हम एंड ये जो है ये नेगेटिव में जा रहा है बैटरी so के सो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने सो so ये जो दो वायर्स हैं ये आपके फॉगलेट की वायर्स हैं इनको भी सेम होल जो मैंने अभी आपको दिखाया था वहीं से ही पास ऑन करना है सो so ये देखिए यहाँ से जाएंगे तो so, ये वाली जो वायर है जो राइट हैंड साइड में जो फॉकलाइट से कनेक्ट होगी उसको हमने इस पोर्शन से इंसर्ट करना है यानी इधर से निकल आएगी सो so, अब इसको टैंक के नीचे से होते हुए ये यहाँ से इससे फॉगलाइट से कनेक्ट होगी एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो फॉकलाइट का जो वायर है उसको हमने यहाँ से ही लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप ये देख रहे हो लेट मी शो इट टू यू ये वाला जो वायर है ये यहाँ से जा रहा है इसको अभी टैंक के नीचे जो एरिया है यहाँ से हम फिट कर लेंगे जहाँ से कंपनी की ओरिजिनल वायरिंग जारी होती है तो वो इंजन पार्ट से भी दूर रहता है और हीट होके आ, आपका मतलब वायर भी ख़राब नहीं होगा एंड इंजन पे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा सो so, वायरिंग जो है वो आ, आपको एकदम टैंक के ऊपर वाले जो पैनल है उससे ही लेके आनी है अंदर की तरफ से एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो लेट मी शो यू ये देखिए ये देख रहे हैं आप ऊपर जो एक एंगल है यहाँ पे आपके मैकेनिक को पता होगा यहाँ पे एक एंगल टाइप का होता है उसके ऊपर से ये वायरिंग होते हुए आ जाएगी एंड ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है तो ये एकदम हिडन वायरिंग वर्क भी हो गया प्लस साथ में आप सेफ एंड साउंड भी है सो दिस इज़ हाउ यू मेक द कनेक्शन इन साइड द टैंक विदाउट रिमूविंग द टैंक सो नाउ द मेन थिंग टू रिमेंबर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर आप एरोज़ को देख रहे हैं तो ये एरोज जो हैं इनको आपको सेम पोजीशन पे रखना है कनेक्शन कर देना है ये देखिए वेरी इजीली ये चीज हो जाएगी ये छोटी छोटी सी चीजें हैं दिस टू मेक श्योर कि आपका कनेक्शन प्रॉपर अच्छी तरीके से हो रहा है एंड दिस इज द टॉप कैप जिससे मेक श्योर होता है कि कोई भी पानी या फिर कोई भी डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगा सो लेफ्ट हैंड साइड की जो वायर है उसको भी हमने जो अगर आप दिख रहा होगा एक लॉक टाइप का होता है टैंक लॉक होता है सो so, यहाँ से ही वायर को लेकर आए हैं एंड दिस इज द लाइट एंड जो है वो वायर यहाँ से आ रहा है नाउ अगेन सिमिलर थिंग अगर आप देखेंगे तो आपको एरोज को मैच करना है देर यू गो नाउ इसको ऐसे कवर अप लेना है एंड दैट्स हाउ यू आर डन सो सिंपल कनेक्शन है कोई भी टैंक रिमूव करने की जरूरत नहीं है इट्स ऑल अबाउट कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए अगर आप इस कनेक्शन को करवा रहे हैं अपने किसी भी लोकल मकैनिक से आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं एंड ही विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे करना है राइट सो टू मेक इट अ परफेक्ट कनेक्शन एज यू नो कि इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है ताकि आपकी गाड़ी जब ऑफ uh, हो जब आप अपने बाइक के पास ना हो तो कोई भी आपकी फॉग लाइट्स को ऑन ना करे सो so, इसलिए जो इग्निशन के कनेक्शन के लिए जो पावर होता है बिकॉज हमने इसको यहाँ फिट किया है तो हमने इसका जो कनेक्शन है वो फ्लैशर के साथ में कर दिया है ताकि जब भी आपकी गाड़ी ऑन uh, हो जब आप कीज़ को लगा लें एंड उसको टर्न uh, ऑन कर दें तो ही आपकी फॉग लाइट को पावर मिले एंड तभी वो लाइट uh, अप हो सके सो नाउ लेट मी शो यू कि लाइट में फंक्शंस क्या हैं एंड uh, किस किस तरीके से आपको ये प्रोजेक्शन देती है राइट सो आप इसको ऑन करके देखते हैं सो फर्स्ट मोड इज गोइंग टू बी येलो सेकेंड मोड इज वाइट थर्ड इज येलो एंड व्हाइट टूगेदर दिस इज द येलो एंड व्हाइट नाउ इसमें फ्लैशर भी आता है ये फ्लैश मोड नंबर वन नाउ सेकेंड मोड ये सेकेंड मोड है नाउ इस फ्लैशिंग मोड को आप अलग अलग कलर्स में अपने हिसाब से जला जला सकते हैं अगर आप चाहें तो येलो में भी जलेगा अगर आप चाहें तो वाइट में भी जलेगा एंड येलो एंड वाइट में भी जलेगा सो so, ये जो फॉग लाइट है ये पूरा फीचरफुल फॉग लाइट है इसमें आपको सारे ही जो फीचर्स हैं जो कि एक टॉप नॉच फॉग लाइट्स में होने चाहिए वो सब मिलते हैं अब हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं सो so, हमने इसमें जेन वन नाइट आई को भी इंस्टॉल किया है अपना हेडलाइट में सो सिटी राइट में तो यही काफ़ी होगा कि आपको सिटी में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉग लाइट ऑन करने की एंड इसमें हमने एक स्ट्रॉप लाइट को भी लगाया एज़ यू नो कि हम क्रूज़र की स्ट्रॉप लाइट को भी लगा दें सो लेट मी शो यू वो कहाँ पर हमने लगाया एंड इज ये देखिए सो so, ये एयरक्राफ्ट एलईडी की तरीके से काम करता है जैसा कि आप देखेंगे इसमें आप अपने मोड्स को चेंज कर सकते हैं ये देखिए बहुत ही जबरदस्त ये स्ट्रोब लाइट है अनलाइक द लोकल वन जो कि लो क्वालिटी की आती है वैसी नहीं है सो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ में ये आती है एंड लेट मी टेल यू इसमें आपको सिक्स मंथ्स की वारंटी भी मिलती है ये क्रूजर स्ट्रोब लाइट का प्रो मॉडल देख रहे हैं आप जिसमें आपको पेयर मिलता है प्लस साथ में इसमें फाइव मोड्स होते हैं आप पांच तरीके से अपनी स्ट्रॉप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं राइट गैस सो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है अब आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं सो एज़ यू नो हेडलाइट में हमने नाइट आई को इंस्टॉल किया है एंड यू कैन सी द प्रोजेक्शन अभी से ही इवनिंग में कितना अच्छा ये आ, आपको लाइट अप दे रही है नाउ हम फॉक लाइट को ऑन करके दिखाते हैं सो फर्स्ट मोड इज़ येलो ये देखिए now second mode is white so the third mode is uh, yellow and white together if i uh, take you to close up shot aap dekh rahe honge yellow niche hai and white upar hai now ye flash bhi karti hai ye dekhiye now mode number 2 all right now let me show you ki humne isme jo strobe light lagayi cruiser ki wo kaisa performance deti hai राइट सो right, so ये क्रूज़र की स्ट्रॉप लाइट है जो कि सिक्स मंथ्स की वारंटी के साथ में आती है ये आप प्रो मॉडल देख रहे हैं ना ये इसमें आप अपने पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं स्लो टू फास्ट कर सकते हैं सो वन बाई वन करके दिखा दें ये देखिए इसका ये आ, स्लो वाला है ना वो चेंज करते हैं इसको सो so जैसे ही आप आ, स्विच को दोबारा से ऑफ एंड ऑन करते हैं तो इसके पैटर्न चेंज होते रहते हैं एंड लेट मी ट्राई वन मोर टाइम ये देखिए तो so, इस टाइप के कुछ आप फाइव मोड्स को इसमें एंजॉय कर पाएंगे एंड दैट्स इट ऑल वाइज एंड मैं आपसे मिलूंगा कुछ ऐसी और मॉडिफिकेशंस करते हुए प्लीज़ लेट अस नो कि आपको इस टाइप की मॉडिफिकेशन कैसी लग रही हैं बिकॉज इसमें हम आपको इंस्टॉलेशन वीडियो भी दिखाते हैं सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच